गुड इवनिंग फ्रेंड्स, महाभारत के बारे में तो सभी ने बहुत कुछ सुना है, जाना है, लेकिन आज एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो कि महाभारत का युद्ध होने का मेन कारण थे। वो थे शकुनी मामा। चलो आज जरा शकुनी मामा के बारे में थोड़ा अच्छी तरह जानते हैं। भीष्म पितामह जब धृतराष्ट्र के लिए पुत्रवध ढूंढ रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि गांधर्व राज्य के राजकुमारी गांधारी, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे तो उन्होंने सोचा कि छोटे राज्य के राजकुमारी उनकी पुत्रवध बन सकती हैं। उन्होंने प्रस्ताव भेजा गांधर्व नरेश के पास और गांधर्व नरेश ने भी प्रस्ताव स्वीकार किया और धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात उन्हें ये जानकारी हुई कि गांधारी पहले से ही विवाहित थे, क्योंकि ऋषियों का कहना था उनके विवाह में कुछ दोष है, तो वही दोष निवारण करने के लिए उनकी शादी एक बकरे के साथ हुई और उसी बकरे को फिर बलि दी गई थी। ये जानकर धृतराष्ट्र क्रोधित हुए और उन्होंने गांधर्व राज्य के वंश को सभी को अपने कारागार में बंदी बना लिए और आदेश दिया गया कि एक मुट्ठी चावल इन परिवारों को दिया जाए, सिर्फ एक मुट्ठी चावल। तो एक मुट्ठी चावल से सभी का पेट तो भर नहीं सकता और उन्होंने फिर दो दो तीन तीन चावल के दाने सभी को देने लगे, लेकिन उससे किसी का पेट नहीं भरा। तो ऐसे करते करते काफ़ी लोग, उनके वंश के काफ़ी लोग धीरे धीरे मारा गए। बाकी जो बचे थे उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम लोग अपने हिस्से के दाने शकुनी को दें। शकुनी गांधर्व नरेश के सबसे छोटे पुत्र थे और गांधर्व राज्य के राजकुमार। सब ने विचार किया गांधर्व राज्य के वंश को आगे बढ़ाने के लिए किसी को तो रहना है, तो उन्होंने शकुनी को ही चुना। एक एक करके गांधर्व नरेश के वंश मारा जाने लगे और सिर्फ रह गए गांधर्व नरेश और उनके पुत्र शकुनी। गांधर्व नरेश के अंतिम समय पर उन्होंने शकुनी को एक उनकी जितनी भी ताकत थी उस ताकत से उनके घुटनों में एक जोर से लात मारी और उसी लात से शकुनी की हड्डी टूट गई और वो लंगड़ाने लगे। और साथ में उन्होंने गांधर्व नरेश ने शकुनी को बोला कि मेरे मारा जाने पर मेरे हड्डियों से तुम अपना पासा बनाना। शकुनी पासा खेलने में बहुत माहिर थे, तीव्र दिमाग था उनका और छल कपट में बहुत ही माहिर थे। गांधर्व नरेश ने शकुनी को लंगड़ा इसलिए बनाया और यही कहा शकुनी से कि जब तुम एक एक कदम आगे बढ़ोगे और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ोगे तब तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारे वंश के दर्दनायक मृत्यु। अब शकुनी अकेले कारागार में थे और उन्होंने छल कपट से धृतराष्ट्र का मन जीत लिया और कारावास से बाहर आ गए, परंतु उनका गुस्सा अभी भी कौरव और पांडव पर था। पर वह कौरव के साथ इसीलिए थे, गांधारी हस्तिनापुर की रानी थी और कौरव को छल कपट की राह सिखाने लगे। उनके मन में सिर्फ कौरवों के बदले की भावना ही थी।
और उन्होंने कौरव में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। आज की कहानी इतना ही। कैसी लगी? और एक बात बतानी है, गांधार आज की डेट में अफगानिस्तान में है। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।